छोटे मियाँ, तुम यहाँ पे इतने दिनों बाद? हाँ बड़े मियाँ, मैं यहाँ पे बहुत दिनों बाद आया हूँ, लेकिन तुम्हें मैं क्या बताऊँ, पूरे शहर की हवा खा के आ रहा हूँ मैं। वो तो मुझे दिख ही रहा है तुम्हारे हुलिये से। हुलिया? आपको क्या पता? ये हुलिया नहीं है भैया, ये वहाँ का फैशन है। फैशन देखो, मेरे पास कैमरा भी है, इसे मैं आपका फ़ोटो खींच सकता हूँ। फोटो? वो क्या होता है फोटो? भैया इस फोटो से मैं आपको पूरा चित्र बना सकता हूँ। चित्र? ये चित्र विचित्र क्या बातें कर रहे हो? ओहो भैया तुम भी देखो। अरे अरे भैया आप डरो नहीं, ये फोटो है फोटो। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। अरे भैया ये सब डरने वाली बात नहीं है, ये फोटो है, बस एक छोटा सा फोटो। देखो तुमने चमगादड़ें भी भगा दी, मुझे वो खानी थी, अब वो भाग चुकी हैं यहाँ से। अरे भैया क्या आप चमगादड़ों के पीछे लगे हो? मैं आपको पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। नहीं नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी है दुनिया की सैर, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ, यही मेरा घर है, ये तुम्हारा भी घर है, लेकिन तुम यहाँ रहते ही नहीं हो। मैं यहाँ पे अकेला पड़ गया हूँ, मैं क्या खाऊँ कहाँ घूमूँ, यही मेरा घर है, यहाँ से मुझे कहीं। तुम्हें मैं क्या बताऊँ, थोड़े दिन पहले कुछ लोग यहाँ पे आए थे और मुझे पकड़ने के लिए वो यहाँ से मुझे ले जाते, मैं यहाँ पे इस गुफा में आके छुप गया। क्या आपको इस गुफा में छुपने की क्या ज़रूरत है? आप मेरी तरह स्टाइलिश हो जाओ, उसके बाद आप भी बाहर घूम सकते हो। अरे स्टाइलिश स्टाइलिश, ये क्या शब्द लिख के आया है तुम? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं एक पत्थर का आदमी हूँ, बस पत्थर हूँ मैं। पत्थर का आदमी तो भैया मैं भी हूँ, लेकिन अब दुनिया बदल गई है, हमें सब अपनाएगी, आप ये बात समझो। अपनाएगी? अरे एक थोड़े दिनों पहले ही कुछ पायरेट्स आए थे, मुझे पकड़ के ले जाते, मैं छुपता घुमा हूँ, इधर उधर भागा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ।